हेलो दोस्तों, चलिए आज शुरू करते हैं इस बेसिक 2D ड्राइंग को सॉलिडवर्क्स में बनाना, जिसमें सबसे पहले हम इस सर्कल और इधर के सर्कल को बनाएंगे, जिसके बीच का डिस्टेंस इतना रहेगा और साथ में हम को इसमें एक हेक्सागन भी यूज़ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं और इसको हम यहाँ टेंजेंट से बनाएंगे। सबसे पहले चलिए हम सॉलिडवर्क्स में एक टॉप प्लेन ले लेते हैं। तो टॉप प्लेन लेने के बाद हम दो सर्कल लेते हैं और हमको इसमें हेक्सागन लेना है। चलिए इनको डायमेंशन दे देते हैं। ये वाला सर्कल हमारा होगा 30 यानी कि 60 डायमीटर का, और ये वाला सर्कल होगा हमारा 40 डायमीटर का, और जो हमारे अंदर का हेक्सागन है ये होगा, इसकी लेंथ होगी 20। साथ ही हम इसको कर देते हैं हॉरिजॉन्टल और इसको भी करते हैं हॉरिजॉन्टल। हमारा जो ये वाला हेक्सागन होगा ये होगा 15 का। तो चलिए इन दोनों को बीच से डिस्टेंस दे देते हैं। हमारा ये वाला डिस्टेंस होगा 129, और ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के आमने सामने होंगे, तो शिफ्ट के साथ हम दोनों को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसको हॉरिजॉन्टल करेंगे। अभी हमको लेना है ये कुछ इस तरह से, इसकी जो हमारी ओवर लेंथ रहेगी ये पॉइंट टू पॉइंट रहेगी 70। तो चलिए उसके बाद हम यहाँ पे लाइन ले लेते हैं। ये हमारा 10 रहेगा, हमको इधर एक लाइन ले लेनी है, जिन दोनों के बीच का डिस्टेंस 20 रहेगा, दोनों पॉइंट को वर्टिकल कर देते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को भी हम वर्टिकल कर देते हैं। इसके बाद चलिए हम लेते हैं सर्कल, कुछ इस तरह से सर्कल इधर लेते हैं और इन दोनों सर्कल्स को कर देते हैं इक्वल, देते हैं इसको 15, इसको करते हैं चलिए टेंजेंट, इसको हमें इधर भी टेंजेंट करना है। तो इधर टेंजेंट करने के बाद हम इसमें एक बीच में लाइन ले लेते हैं। लाइन लेने के बाद हमारा हमको इसमें बीच में पॉइंट मिल जाएगा, ये पॉइंट को इस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। हॉरिजॉन्टल करने के बाद इस पॉइंट को हम ऐसे कंस्ट्रक्शन लाइन भी यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम और कंस्ट्रक्शन कर देंगे। ओके, इसी तरह इसको इधर भी टेंजेंट करते हैं और हमको इधर भी टेंजेंट कर दिया हमने। तो चलिए इसको एक्स्ट्रा को ट्रिम कर देते हैं। इसको इधर मिरर कर देते हैं। मिरर करने से पहले हमको इसमें एक मिड पॉइंट मिलेगा, इस वाले मिड पॉइंट से इस मिड पॉइंट को मिला देते हैं, रिलेशन दे देते हैं जो कि होगा वर्टिकल। तो चलिए इसको मिरर करते हैं। मिरर करने के लिए हम दोनों पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं, इसके बॉटम को मिरर करना है। तो ये हमारा मिरर हो चुका है। तो चलिए इसको ट्रिम कर देते हैं। तो चलिए हमारी टूडी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।